Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. आपके मन में भी कई सारे ऐसे सवाल रहेंगे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहेगी, जैसे कि क्या हमें स्टॉक्स को सेल ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, कि हमें ये स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए लाइफ लॉन्ग के लिए, मतलब कि और सालों के लिए, या फिर बाय द डिप करना चाहिए क्योंकि मार्केट हाई पे है तो अभी अपसाइड भी जा सकती है और डाउन साइड भी जा सकती है। मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते, कभी भी मार्केट में करेक्शन आ सकता है, कभी भी हाई पे पहुंच सकती है, कभी भी लोअर हिट कर सकती है। तो हम जानते हैं चार ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। लेट्स चेक। सबसे पहले आता है कि हमें हमारे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए। अब जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, यानी हम हमारा रिस्क एपेटाइट देखते हैं और उसी हिसाब से हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेट सिक्योरिटीज, गोल्ड्स, ये सब में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब मैंने 2018 में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था तब मेरा रिस्क रिवॉर्ड था 50:50, मतलब मैं मॉडरेट रिस्क टेकर हूँ। बट आज जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 75% इक्विटी हो गया और 25% डेट हो गया। बट मैं मॉडरेट रिस्क टेकर हूँ तो मुझे 75 और 25 का बैलेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जो 25% इक्विटी है वो सेल ऑफ कर दूँगी और 25% बॉन्ड्स बाय कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंस कर रही हूँ, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, री इन्वेस्ट कर रही हूँ मार्केट में। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो यहाँ पे आपको माइनर करेक्शन 90% दिखने ही वाला है नियर फ्यूचर में, मतलब कि ऑल टाइम हाई से थोड़ा तो नीचे आएगा ही आएगा मार्केट। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं ना, आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको हेज करना है, आपके रिस्क को मिटिगेट करना है। इसके लिए आप डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करो। यहाँ पे आपको दो बेनिफिट्स मिलता है, एक तो आपका लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट होता है क्योंकि आपका कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा है, और सेकंड आपको हर क्वार्टर या हर साल आपको डिविडेंड मिल रहा है जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। डू यू नो ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं इनकम जनरेटिंग म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। अगर डिविडेंड मिलता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ले सकते हो, या फिर सेकंड ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे अगर आपको डिविडेंड जनरेट हो रहा है तो वो आप री इन्वेस्ट करो आपके म्यूचुअल फंड्स में। तो दोनों ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। आप जब भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल है, मतलब कि उनका आप फंडामेंटल्स चेक कर रहे हो, फाइनेंशियल्स चेक कर रहे हो, पास्ट रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हो कि कंपनी ने कितना अच्छे से ग्रो किया और कितना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में भी ग्रो करेगी। इसके लिए आप फ्यूचर प्लान्स भी देखते हो। अब जब आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो ना तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप थोड़ा स्टॉक्स बेच दो और प्रॉफिट बुक कर लो, और जब आपको पता है कि नहीं यार इसमें तो और ग्रोथ पोटेंशियल है तो आप इसको होल्ड करके भी लाइफ टाइम के लिए रख सकते हो, मतलब कि आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड है, फाइनेंशियल गोल है या टाइम फ्रेम है तब तक आप उसको बना के रखो, मतलब कि होल्ड करके रखो, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी है तो, क्योंकि आपको पता है आपने जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब कि और ज़्यादा वो रिटर्न्स दे सकता है आपको लॉन्ग रन में। अब आप जब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो ये कभी भी मत करना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स एवरी ईयर मिले। पॉसिबल है कि जिस टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तब आपको 50-60% का रिटर्न्स मिला है, बट नॉट पॉसिबल कि एवरी ईयर आपको स्टॉक मार्केट इतना रिटर्न्स देगा। एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखना 12-20% के बीच में, बट एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिल सकता है स्टॉक मार्केट में एवरी ईयर। तो आपके एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली रखना, जस्ट बिकॉज ऑल टाइम मार्केट हाई है और अच्छे रिटर्न्स दे दिया है एक साल, डजंट मीन कि एवरी ईयर उतने रिटर्न्स देगा ही देगा। और आपको कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना है कि इस बार हिट हुआ है ऑल टाइम हाई तो नेक्स्ट ईयर भी हाई हो जाएगा और मेरे को 50-60% का नेक्स्ट ईयर भी रिटर्न्स मिलेगा। नहीं, मार्केट को टाइम कभी मत करना,
कभी भी अपसाइड जा सकती है मार्केट और कभी भी डाउनसाइड आ सकती है। तो आप कभी भी मार्केट को टाइम मत करो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जो एवरेज रिटर्न है वो है 12-20% के बीच में, तो उतना ही एक्सपेक्ट करो कि आप अपने पोर्टफोलियो में जितना रिस्क रखोगे उतना रिटर्न्स मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करना है। उससे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स की बात ही मत करो और सोचो भी मत, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो आप ज़रूर गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दोगे जहाँ पर आपको बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस, एंड आपको नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप CA, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर हो और आप मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो तो फिर आप वेल्दी पार्टनर ऐप जरूर डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। थैंक यू।